हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और मामले की सुनवाई जो है छत्तीसगढ़ में होनी है और वो हो चुकी है। अभी अभी सुनवाई खत्म हुई है। क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से बातों को रखा गया, वो सभी चीजें जो है अभी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में छत्तीसगढ़ में जो है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे जब भी बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये है कोर्ट का आज का सिनेरियो। आप अभी अभी जस्ट सुनवाई जो है वो खत्म हुई है। यहां पर आपको जजेस का जो है पैनल दिखाई दे रहा है। ये एडवोकेट्स हैं जो छत्तीसगढ़ कोर्ट रूम में मौजूद थे। ये बीएड के एडवोकेट हैं। यहां पर आपको जो है मीनाक्षी अरोरा जी, मनदीप कालरा जी, ये सभी जो है दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। आप देख सकते हो आज कुछ खास ज्यादा नहीं हो पाया है। नहीं होने का रीजन भी है, नहीं होने का इसका रीजन भी है, वो भी मैं बात करूंगी। लेकिन पहले स्टार्टिंग कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। जैसे ही केस स्टार्ट हुआ हमारा, वैसे ही जो है मीनाक्षी अरोरा जी ने डायरेक्टली एक ही सेंटेंस बोला है कि सर इसमें अब कुछ नहीं रह गया है, सुप्रीम कोर्ट से कवर हो चुका है ये केस और देवेश शर्मा वाले मामले में डिसीजन आ चुका है ऑलरेडी, तो फिर अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है तो इसको डिसाइड कर दिया जाए। मीनाक्षी अरोरा जी ने अपनी बातों को रख लिया। अब यहां पर जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, बोला कि इसमें बहुत सारे जो सेंटेंसेस बोल रही हैं और भी बहुत सारे सेंटेंसेस उन्होंने यूज किए थे उसमें कुछ रॉन्ग है। तो ये जो बहसा बहसी अभी स्टार्ट होने वाली थी, आर्गुमेंट का प्रोसेस स्टार्ट ही होने वाला था, तब तक जो जज हैं उन्होंने कहा कि इसको हम नेक्स्ट हियरिंग में लेकर के जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है और भी केसेस लाइनअप है और क्योंकि ये मामला ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट में, देखो अभी जहां भी जो भी फैसला, जहां भी जो भी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी वो सभी अपने केसेस को टाइम देते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। रीजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला जो गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्लैरिफिकेशन की मांग कर रहा है और वो क्लैरिफिकेशन में ये मांग कर रहा है कि ये कब से लागू किया जाना है ये बता दीजिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी किस तरह से देखा जाएगा ये बता दीजिए। तो इसीलिए कहीं से भी अभी फैसला आने का तो उम्मीद कम था। हमें भी पता था कि आज जो है इसमें कोई भी डिसीजन नहीं आ पाएगा क्योंकि हर कोई उसी केस का रेफरेंस देगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सेम चीज यहां हुआ है, इसका डेट दे दिया गया है और इस केस की सुनवाई जो है अब छत्तीसगढ़ में आपको होने वाली है 27 फरवरी को। मीनाक्षी अरोरा जी ने ये जरूर बोला, ये जो बीएड के एडवोकेट हैं उन्होंने जरूर बोला कि इसको 5 मार्च कर दिया जाए, बट उस पर भी जस्टिस अपनी बात पर एकदम कायम थे, बोले नहीं 27 फरवरी है। और मीनाक्षी अरोरा जी जो है इसको और पहले लाना चाहती थी कि 27 फरवरी से भी पहले आ जाए, उस पर भी जस्टिस ने कहा कि हम तो इसको एक्चुअली में होली के बाद ले जाना चाहते थे, मार्च के एंड में ले जाना चाहते थे, लेकिन हम इसको प्रीपोन कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इसलिए तो ये आज के कोर्ट रूम में की जो है चीजें हुई है। और जैसे कि आप लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन करते रहते हो कि क्या छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव मैम डीएलएड के लिए आ जाएगा या बीएड के लिए आएगा, तो मैंने आपको मैसेज भी करके बताया था कि अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी जब तक ये 23 फरवरी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जाता है, स्पेशल बेंच उसके लिए बनाया गया है, वहां से कुछ भी क्लियर नहीं होता है तब तक कोई भी हाईकोर्ट में केस इधर या उधर नहीं जाने वाला है, ये एकदम आप मान करके चलो। वही चीजें आज हुई हैं, आप भी देख सकते हो। अब हम इसमें ये बोलते हैं कि यहां पर एक मामला, एक पॉइंट बार बार उठाया जा रहा है कि जब कोई भी मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उसमें क्वेश्चन क्यों उठाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन डीएलएड वालों की तरफ से किया जा रहा है कि अगर हर मामला जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था कि हाँ ये मामला भी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 11/10/2023 का फैसला आने से पहले उन्होंने हियरिंग में सुनवाई में कह दिया था कि अभी जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे सभी के सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर में होंगे बोला गया था। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला है,
लेकिन यहां पे जो क्लेरिफिकेशन की मांग की जा रही है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा तो नहीं है कि आज बोला गया कि हाँ चलो 25,000 की वैकेंसी निकलेगी और कल को वैकेंसी निकली और परसों आप ज्वाइन कर लिया, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो प्रोसेस 1 मंथ 2 मंथ का चलता है ना, फॉर्म फिलअप, फिर एग्जामिनेशन, तो ये तो फिर ये वो, मतलब एक प्रोसेस में चलता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम किस तरह से देखेंगे, यहां पर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और जहां तक है सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला, ये बिल्कुल जो है कोर्ट में उठाया जाएगा इसको, क्योंकि इसको भी क्लेरिफाई करना जरूरी हो जाएगा। और डीएलएड वाले एडवोकेट की तरफ से ये क्वेश्चन बिल्कुल उठाया जाएगा, बीएड वाले एडवोकेट किस तरह से इसका जवाब देते हैं वो देखने वाली बात है। तो फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ से यही फैसला आया है जो ऑलरेडी हमने कल आपको प्रिडिक्ट किया था, जो भी स्टूडेंट्स मैसेजेस हमें कर रहे थे उनको हमने बताया था कुछ नहीं होगा, डेट आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही 2 मिनट के अंदर जो है डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, 27 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी, उसके पहले 23 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसका असर इसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। 23 फरवरी को ही अगर कुछ आर या पार हो जाता है, चाहे बीएड के पक्ष में चाहे डीएलएड के पक्ष में, वो उस चीज का इंपैक्ट आपको इस कोर्ट रूम में भी दिखाई देगा, एकदम ये क्लियर है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।